हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। एक दफा फिर आपको मैं बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक न्यू ब्लॉग के साथ, बिल्कुल, डेली के डेली हम न्यू टॉपिक ढूंढते लाते हैं आपके लिए। लेकिन जो नहीं ढूंढ पाते वो लोग क्या करते हैं वो डेली व्लॉगिंग करते हैं। और डेली व्लॉगिंग में क्या होता है? डेली व्लॉगिंग में उनका ये होता है यार, जैसे कि आप देखते हो डेली व्लॉगिंग में थंबनेल होगा, ठीक है, इतना बड़ा मुंह खुला होगा। हाँ अब जी मैं, ये हमारा फैमिली शो है, हम डिफाइन नहीं करना चाहते इतना मुंह कब खुलता, ठीक है, इतना मुंह बड़ा खोल लेते हैं और सिर्फ सोचते हैं कि हुआ क्या। हुआ क्या? बाद में इतना बड़ा मुंह खुल जाता है, आधा आधा घंटा व्लॉग चलता है, उसके बाद पता लगता है सॉक्स गुम गई, पासपोर्ट गुम गया था, ठीक है, बच्चे का उसके पैम्पर गुम गया था, कुछ हाय नहीं हो सकता सब आम का। कुछ नहीं हो सकता। छोटे भाई ने कुछ ऐसा किया, और यहाँ पे कोई छोटा भाई ऐसा कर दे तो क्या होता है। छोटे भाई ने ऐसा किया कि सब कुछ तबाह हो गया, बाद में पता लग गया छोटा भाई की बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया था, चोक उठा के वो कर रहा है। बहुत कुछ, बहुत हादसा हो जाते हैं, बाद में पता लगता है जी कि वो आखिरी सीढ़ी से स्लिप हो गया, हाँ जी, हड्डियां टूट गई हैं, डॉक्टरों पे चले गए हैं, एक्सरे निकले हैं, एक्सरे में बगैरती के अलावा कुछ भी नहीं कुछ निकला, भी नहीं निकला। ठीक है। इन डेली व्लॉगिंग की कहानियां बड़ी मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, इनकी कहानियों का को कोई सर पैर नहीं होता, सिर्फ उनको एक कैप्शन चाहिए। अब जिस तरह हम चलते आ रहे हैं, मेरे सामने कीड़ा नजर आ गया, वो कीड़ा बड़ा अनोखा है, मैंने वो कीड़ा समझ लो मार दिया। अब मैं आके साथ, मेरे पास आके कंटेंट आ गया, अब मैं इधर आके कंटेंट का पहले हेडलाइन लिखूंगा, आज मैंने किसी का कत्ल किया। जी हाँ थंबनेल इस तरह करके मैं बना दूंगा, घंटा घंटा मैं उस पर भाषण दूंगा, उसके बाद जो है वो एंड पे इतना सता दूंगा कि ओ कीड़ा मरे आप, ठीक है, मारा कीड़ा होता है मारा कीड़ा, वही ना बात करोड़ों की दुकान पकौड़ों की। बड़ों की। बाकी ये सिस्टम है कि देख लें, जो डेली ब्लॉगर्स के इनकी फैमिलीज हैं या जो भी इनके साथ ब्लॉग्स में आते हैं, उनका भी एटीट्यूड क्या है, कोई स्टोरी को सर पर कोई कुछ भी नहीं है, ना कोई पॉइंट है, ना कोई नॉलेज है। अब आप जुनेद अकरम को देख ले, जुनेद अकरम इतनी हाई इंटेंस लेवल की जो है वो वीडियो बनाता है, और जो बाकी लेकिन उसके ब्लॉग्स को कोई हाईलाइट या कोई प्रेज नहीं मिलती। कोई प्रेज नहीं है उसको, उस जैसा कंटेंट बहुत ही कम लोग बना रहे हैं, जो कि नॉलेजेबल भी हैं और उसके अलावा थोड़ा इन्फॉर्मेटिव भी ऐसा कुछ है इंफॉर्मेटिव और कॉमेडी की तरफ भी उसको ले आते हैं। जी। लेकिन जी हमारे यहाँ पे क्या देखा जाता है, जी वो जा रहा बाइक पे 34 बंदों को हेलो हाई कर रहा है, वो हेलो हाई कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, ठीक है जी। एक ने ब्लॉगर ने बच्चा उठाया हुआ, बच्चे को उठा के कभी किधर लेके जा रहे हैं, कभी किधर लेके जा रहे हैं, बच्चा तो आपको 8-10 साल बाद बताएगा ना कि तुम उन्हें किथे किथे कीता लेके क्या गए थे, था? ठीक अब मां सफदर को देख लें, आज बासिल के साथ ये किया, आज बासिल को पार्क में लेके गए, आज बासिल को डॉक्टर के पास लेके गए, अठारह आज साल आज बासिल को पैंपर उल्टा पहना दिया, 18 साल बाद भी कहेंगे बासिल ने आज मतलब ये किया, आज बासिल ने हमें बासिल ने घर से मार बाहर दिया वो निकाल भी किया। दिया। मतलब सिचुएशन आप लोग देखें, कि मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चों को व्लॉग में लाना गलत है, लेकिन हमारा थोड़ा बहुत एथिकल इस मामले में, हम एथिक्स को कहते हैं कि भूल गए आप हैं कि हम लोग जो हैं वो व्यूज की खातर अपनी बीवियों को, घर के लोगों को शो कराने लग जाते हैं, इनके जरिए से लोग व्यूज इकट्ठे करने शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, ये चूंकि आपको भी पता है, अभी ये जो ओपन माइंडेड लोग हैं, लिबरल लोगों को मैं नहीं छेड़ा, प्लीज मेहरबानी, वो हमारे जो है ना चैनल पे हेट भी ना फैलाएं और ना हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करें, ये एक ओपिनियन है, ये कोई तंज नहीं आपको मार रहे, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जी फैमिली को हम ला रहे हैं, ओपन माइंड करवा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता जो उनके सब्सक्राइबर हैं 90% क्या कर रहे क्या हैं, देखने के लिए आए होते हैं? ठीक है। सारों को पता है रातों रात व्यूज गेन हो रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी के गेन हो रहे हैं, ऐसे डकी भाई के गेन हो रहे हैं, मास तीन टॉप पे आपके डेली के शोर है। एक जो जो मुझे एक अच्छा समझ आता है, जो कि डेली ऑर्गेनिक अच्छे ले रहा है, सिर्फ एनिमल बेस पे, पेट्स बेस पे, वो जो है शहर शहर में में दिया। देहात, ठीक है, एक वो भी डेली व्लॉगिंग ही है, लेकिन डेली व्लॉगिंग में वो अपने जो है डेली की लाइफ रूटीन वो शेयर कर रहा है कि मैं लाइफ रूटीन में क्या करता हूँ, मैं अपने एनिमल्स का किस तरह ध्यान रखता हूँ, बात वो भी आज मैंने ऐश का घर तोड़ दिया है। स्टोरी यार, स्टोरीज वहीं पर ही स्टोरीज है, वही है। आज हमने उसका घर तोड़ दिया है, आज वो उधर गंद फैला के चला गया है, आज मैं आज वो वो सफाई कर रहा हूं, मैं आज आज ये ये कर कर रहा रहा हूं, हूँ। आज उसने इतने अंडे दे दिए मतलब हैं। जिस दिन किसी को आज, अब तुमने भी इसको ज़हन में रखना है, जिस दिन हमें व्लॉग नहीं मिला हमने झाड़ू पकड़ना है, हाँ हमने जी, कहना आज हमें खुद सफाई करनी पड़ेगी, काम वाली नहीं काम आई, वाली ठीक नहीं आई, पीछे है ना। आज पीछे काम वाली दी आवाज आनी भाई छोड़ दे मैं कर रही हूँ। है। ये बेसिकली वो शाम के टाइम तो नहीं ना वो आएगी, हम शाम के टाइम करेंगे, शाम के टाइम बाहर से मिट्टी थोड़ी सी ला के जरा जूम करके अच्छे तरीके से दिखाएंगे। हाँ दिखाएंगे और एक तरह से झाड़ू पकड़ेंगे। यार, मैं वैसे एक बात सोच रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि हमारे इस तरह व्यूज नहीं आने,
मुझे लगता है मेरे असिस्टेंट हायर करनी पड़ेगी जो हमारी वीडियो में सिर्फ इधर से इस तरह गुजरा करेगी और इस तरह ही वापस चल जाया करेगी, जिसको लोग लूप में बार बार देखेंगे और हमें व्यूज हासिल होंगे। वो हमें स्पाइक नजर आएगा ना, क्या इधर इस तरह करके जो है ना वो व्यूज एकदम अप ऐसे ही व्यूज अप आए। सर वो आज जो आपने नई एक ब्लॉगर देखी है, हाँ हाँ हाँ, नए ब्लॉग का मैं जिक्र कर रहा था मैं, ये है समीरा शीदो यार, ये ब्लॉगर है और जिसकी वो टिकटॉकर नहीं है सहर, उसके साथ शादी हुई है। तो अब उनकी कहानी भी अजीब है, मैं आपको उनकी स्टोरी सुनाता हूँ कि अब अल्लाह जानता है उस बंदे ने क्या किया। सर ये समीरा शीदो नहीं है, समीर राशिद ऑफिशियल लिखा हुआ है जिसको आपने समीरा शीदो बना दिया। हाँ जी यार, ये अब समझ आ रहा है। अच्छा छोड़े, इन्होंने हरकत ये किया वो बताया। इन्होंने हरकत ये किया, इस भाई साहब की शादी हुई है। पहले तो मुझे ना सेलिब्रिटीज की शादियों की समझ नहीं आती यार। हमारा मुल्क, हमारा वजीर आजम जगह जगह जाकर पैसे मांगते, आए मैं मांगने नहीं है पर क्या करूं, हालात निकाल के बेच रहा हूं अपने किसी के, अपने पाकिस्तानियों के। आप लोगों को जरा शर्म नहीं आती? 17 फंक्शन कौन करता है? 17 फंक्शन इतनी थी ना, 17 के फंक्शन होंगे उनके, छोटे से छोटा फंक्शन। मुझे समझ नहीं आ रही वो करते क्या हैं, उस फंक्शनों में है क्या। वीडियो लंबी हो रही है, बताओ उन्होंने किया क्या। उन्होंने ये किया यार, ये अब उस बेचारे की शादी हो गई, अब मैं इसमें बेचारे किसी को रब जाने को कौन बेचारा नहीं, अब इनकी शादी हो गई है। तो जी आज इस समी भाई का एक इंस्टा पे पोस्ट आती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, सहर जो उनकी मिसेज हैं वो हॉस्पिटल में पड़ी हुई हैं, और लिखा हुआ नीचे दुआओं में याद रखें साहब, शी इज नॉट वेल, काफी गंभीर सिचुएशन है। अब जी आगे उससे बड़ी उसकी जो है ना, जब कोई 100% अपना ब्रेन यूज कर लेता ना, उसके बाद ऐसे रील्स बाहर निकलती हैं। उसकी नेक्स्ट पोस्ट थी, नेक्स्ट पोस्ट में वो कह रहा है पहले कौन सा व्लॉग चाहिए, वलीमे का कि शहर के हॉस्पिटल जाने का। यार मैं क्या बताऊं यार, मेरे पास अल्फाज नहीं यार, मुझे माफ करो, मुझे छुट्टी दो, छुट्टी दो। कि मतलब एक सिचुएशन है, वो कल को मर जाए, व्लॉग कौन सा चाहिए, वलीमे का या हॉस्पिटल का, आप को चॉइस दे रहे हो आप। यार हमें ये जो है ना एक्समैन मूवीज की तरह ना, शायद आपने जिसने भी देखी हो आपको अंदाजा होगा, पहले वो फ्यूचर दिखाते हैं, फिर पास में जो हरकत हुई थी वो दिखाते हैं, उस हिसाब से पहले हमें हॉस्पिटल चाहिए। ये डेज ऑफ फ्यूचर पास चल रही है, हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमें फिर वलीमा चाहिए, पहले हम हॉस्पिटल का देखेंगे फिर हम वलीमा एंजॉय कर सकेंगे ना। वहाँ हाँ तो ना, अगर हमारी चस्कोली है, अगर वलीमा एंजॉय नहीं होता फिर हमें उसकी भी डिमांड रखनी चाहिए कि मैं वो चीज बताओ कि जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल दाखिल हुई। हाँ जी वो असल चीज, ये बुलडोजर कहाँ फिर गया, ये किस वजह से हॉस्पिटल गई है। तो ठीक है गाइस, ये व्लॉग लंबा हो रहा है, मुझे शक पड़ रहा है, काफी लंबा हो गया और इसमें लंबी कोई नहीं हमने छोड़ी, ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा है, लंबी नहीं छोड़ी गई। तो ठीक है गाइस, अगर आपको व्लॉग हमारा पसंद आया हो, समझ आया हो, तो प्लीज लाइक, आई बोले नहीं लाइक सब्सक्राइब सब कुछ ठोको, हाँ ये सब कुछ ठोको इसको नहीं, तो ये मतलब आपने करना है। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपको हम अल्लाह हाफिज करते हैं। मेरी जिंद मेरी जान जर्नल आसिम मुनी, मेरी जिंद मेरी जान जर्नल आसिम मुनी।